दोस्तों गदर मूवी एक सच्ची घटना पर आधारित है, ये तो सभी जानते हैं। आज मैं आप लोगों को बताता हूँ इस कहानी का असली किरदार कौन था और कैसे क्या हुआ। तो चलिए दोस्तों, बूटा सिंह और जेनाब की प्रेम कथा के बारे में जानने की कोशिश करते हैं, यानी तारा सिंह और सकीना की। तो वीडियो को पूरा देखिए और वीडियो में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। 1947 में जब विभाजन के बाद हिंदू और मुस्लिम में दंगे हो रहे थे, तब बूटा सिंह ने एक मुस्लिम लड़की का जान बचाया था। उसी मुस्लिम लड़की का नाम था जनाब। बूटा सिंह ने जनेब को अपने घर लेके गए और सम्मान के साथ अपने घर में रखे। उसके कुछ दिन बाद दोनों में जब प्यार हो गया, दोनों ने शादी कर ली। फिर जनाब दो बच्ची का माँ भी बनी। उनका परिवार बहुत सुख और शांति से अपना गुजारा कर रहा था, लेकिन उनका ये शांति कुछ दिनों में ही भंग होने वाला था। विभाजन के एक दशक बाद दोनों देशों ने यह फैसला लिया कि विभाजन के दौरान जो लोग अलग हो गए थे वो चाहे तो इधर आ सकते हैं। जब पहली बार सरकारी गाड़ी जनेब को लेने के लिए उनके घर के सामने आई तो बूटा सिंह रोने लगे थे। जब बहुत दिन बीत जाने के बाद जनेब वापस नहीं आए, उसके बाद बूटा सिंह ने यह ठान लिया कि अब उन्हें ही जाके पाकिस्तान से जनेब को लाना होगा। फिर उन्होंने दिल्ली में पाकिस्तानी एम्बेसी में गए और जाकर वीजा के लिए अप्लाई किया। तब किसी वजह से बूटा सिंह का वीजा अप्रूव ना हो पाया, तो बूटा सिंह ने ठान लिया कि बिना वीजा के ही वो पाकिस्तान जाएगा। उसके बाद बूटा सिंह ने गैर कानूनी तरीके से पाकिस्तान के बॉर्डर क्रॉस किया और अपनी बीवी को लेने पाकिस्तान पहुंच गया। लेकिन जब तक बूटा सिंह पाकिस्तान में पहुंचा, तब तक बहुत देर हो चुका था। जनेब के घर वाले जनेब का दूसरा शादी कर चुका था। जब बूटा सिंह जनेब के साथ मिलने के लिए जनेब के घर तक चला गया, लेकिन बूटा सिंह को जनेब से मिलने तक नहीं दिया। फिर बूटा सिंह ने पाकिस्तान के कोर्ट में केस किया कि उसका बीबी को इंडिया से लाकर यहाँ गैर कानूनी तरीके से शादी कर दिया गया है। जब कोर्ट ने जनेब को बुलाया तो जनेब कोर्ट में आकर ये बताया कि वो बूटा सिंह को जानते तक नहीं है। बाद में पता चलता है जनेब को उनके घर के सदस्य ने बहुत ज्यादा टॉर्चर करके उनसे ये बुलवाया था। ये बात सुनकर बूटा सिंह अंदर से टूट गए थे। फिर बूटा सिंह रोते रोते स्टेशन तक आया इंडिया को आने के लिए, लेकिन उनका मन तो पाकिस्तान में ही पड़ा था। वो क्या किया, अपने बेटी को स्टेशन में बैठा कर फिर उन्होंने ट्रेन आते हुए एक पटरी के ऊपर छलांग लगा दिया और उनकी दुखद मृत्यु हो गई। बाद में जब उनका शव को तलाशा गया तो उनके पॉकेट से एक चिट्ठी निकली। उस चिट्ठी में ये लिखा हुआ था, भले ही मुझे जनेब पहचानने के लिए मना कर दे, लेकिन मैं अपने बच्चों से वादा किया हूँ कि उनको माँ को जरूर लेके आऊंगा या फिर मैं वहीं रह जाऊंगा। पाकिस्तान की सरकार से मेरा ये आवेदन है, मेरा इस शव को जनेब के घर के सामने ही दफनाया जाए। बाद में जनेब के घर वाले उनके शव को वहाँ दफनाने से भी इनकार कर देते हैं। फिर पाकिस्तान के सबसे बड़े कब्रिस्तान में बूटा सिंह को दफनाया गया। बूटा सिंह को आज भी पाकिस्तान में एक सच्चे आशिक के नाम से जाना जाता है, जिसे वो लोग शहीद मोहम्मद के नाम से भी जानते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताएं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।